Hello and welcome back to your very own weekly series, Talk with Alama. Here we try to answer the most... Hello and welcome back to your very own weekly series, Talk with Alama. Here we try to answer the most curious questions of the society in the most appropriate and rational way. You might consider this show as pro-Islamic, but indeed this is pro-humanity. चलिए इस शो का पैटर्न जान लेते हैं. इस शो में हम हर वीक एक नया टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपके पास कई सारे सवाल होते हैं, मगर उन सवालों के जवाब जानने के लिए कोई सही जरिया नहीं होता. तो ऐसे ही सवाल आप हमें फेसबुक लाइव कमेंट्स के थ्रू अपने शो के दौरान भेज सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स की गूंज हमारी जिंदगियों में आवाज कर रही है और हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है. आज का हमारा टॉपिक है Rise of communal tension in India, भारत में बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव. इसके बारे में जो भी आपके सवाल हैं आप हमें भेजते रहिए फेसबुक लाइव कमेंट्स के थ्रू, और याद रखिए कि अपने सवाल टॉपिक के अराउंड ही फ्रेम करें, क्योंकि जो सवाल टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते उन्हें ना चाहते हुए भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है. ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, हु इज अ रेनाउंड स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजंस. अलामा, बहुत बहुत स्वागत है आपका. अलामा, इंडिया हमेशा से मशहूर रहा है, फेमस रहा है प्लूरलिज्म के लिए, टॉलरेंस के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गंगा जमुनी तहजीब. तो आज ऐसी क्या वजह हुई है कि वक्त के साथ ये सारे एडजेक्टिव्स धुंधले पड़ने लग गए हैं? देखिए, जरूरतें रूलर्स की होती हैं या जो रूलर्स बनना चाहते हैं उनकी होती हैं, और इस वक्त जो इससे पहले भी ऐसा होता रहा है 1947 में, बाद मौकों पे और पहले ऐसे फेज पहले भी आए हैं जब कम्युनल टेंशन ज्यादा हुआ है या बढ़ा है. लेकिन इधर काफी अरसे से लगातार जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर ये जो आपने टॉपिक जैसे रखा है राइज इन कम्युनल टेंशन इन इंडिया, तो लगातार पूरे मुल्क में जो बढ़ रहा है ये फिक्र का मौजू है, इसलिए कि ये बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ बढ़ नहीं रहा. और मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कुछ सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए कम्युनल टेंशन को आगे बढ़ा रही हैं. जुलूस पहले भी निकला करते थे, मजहबी जुलूस निकलते थे, मजहबी जुलूसों के निकलने से बहुत रेयर कभी कोई कम्युनल टेंशन का वाकया हुआ करता था. लेकिन अब लगातार वो जुलूस एक नया रंग इख्तियार करते चले जा रहे हैं. तकरीबन तमाम पब्लिक के हाथों में हथियार होते हैं. पहले जुलूसों में त्रिशूल भी नजर नहीं आते थे, अब त्रिशूल ही नहीं तलवारें होती हैं, और टीवी पर दिखाया जाता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और स्टेन गन भी नजर आ गई कि स्टेन गन भी चलाई जा रही है हवा में, और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता या नहीं लिया जा सकता. जिनकी हुकूमतें हो वो उसे रोकना चाहे तो भी उस मौके पर नहीं रोक सकते और एक्शन नहीं ले सकते. जो इस तरह के जुलूसों को जो लीड कर रहे थे, जिनके खिलाफ बाई नेम FIR हैं, वो कहा ये जा रहा है कि आजाद घूम रहे हैं, लोगों को मालूम है, लोगों की नजरों पर हैं, और पकड़े नहीं जा रहे हैं या पकड़े नहीं जा सकता उनको. ये भी सियासी मजबूरियां हैं. तो जो कुछ हो रहा है वो सियासी पार्टियां करा रही हैं, डिजाइन्स मालूम है, लोगों को मालूम है. ये है फिक्र की बात के ये बढ़ नहीं रहा बल्कि बढ़ाया जा रहा है, और एक मुनज्जम तरीके से बढ़ाया जा रहा है. तो कम्युनल टेंशन का कभी किसी मौके पर स्पॉन्टेनियसली उभर जाना या बाद जगह कभी कभार कोई साजिश ही होती थी और उसकी वजह से किसी एक जगह कम्युनल राइट्स हो जाया करते थे, अब बड़े पैमाने पे सब जगह बहुत बड़े हिस्से के अंदर मजहबी जुलूसों को इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार लेकर, और उसमें फिर नारे लगाए जाते हैं,
उन जुलूसों उनमें से ऐसे बहुत से हैं जुलूस जो अभी निकाले गए हाल में कि जिन्हें परमिशन जुलूस निकालने की नहीं मिली थी और फिर निकाले गए। वो जुलूस माइनॉरिटी के एरियाज से गुजरे, वहां इश्तआल अंगेज नारे लगाए गए। माइनॉरिटीज के एरिया से गुजरते वक्त खास तौर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये इससे पहले एक बड़े ऑफिसर भी, एक शहर के एक जिम्मेदार ऑफिसर भी, उन्हें बात को अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे यहां भी हुआ था ये, आखिर चीन भी हमारा दुश्मन है, चीन मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाते। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे माइनॉरिटी एरिया से निकलते वक्त लगाना उनका उस वक्त मजहबी जुलूसों के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे का रोल क्या था, ऐसा महसूस होता है कि बाकायदा ये इश्तआल दिलाया जाता है जैसे मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान के तरफदार हो या वफादार हो, इसलिए हम यहां ये नारे लगा रहे हैं। एक फजा है जो बन रही है और लगातार बनाई जा रही है, और वो भी ऐसे माहौल में कि जब हमारे यहाँ के कई गवर्नर भी ये कह चुके कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, तो अब ये सब एक फजा है जो बनाई जा रही है, बन नहीं रही है। और बहरहाल जिम्मेदारी है हमारी कि इस मौके के ऊपर सोचें और गौर करें कि हमें क्या करना चाहिए। जी बेशक, आपने जैसे बताया कि बहुत ही गौर व फिक्र करने वाली बात है ये, तो इस बारे में हमें समझना चाहिए क्योंकि इनसे होने वाली परेशानियां हमारी जिंदगी के हर पहलू पे असर करती हैं, तो हम समझे इस चीजों से आगे निकले और बेहतर तरीके से आगे बढ़े। आज का हम अपना पहला सवाल ले लेते हैं अलावा। पहला सवाल हमें भेजा है अब्दुल बारी ने, वो पूछ रहे हैं कि अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसका क्या इलाज है, क्या कोई किसी की जान लेता रहे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, और हम शांति बनाए रखने की अपील करते रहें तो इससे क्या रिजल्ट्स होंगे। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ आसनसोल में, उसके पस मंजर में ये सवाल आया और इसका जवाब तो वहीं वेस्ट बंगाल से ही मिल गया। वहां एक मस्जिद के इमाम साहब, जिनके लड़के की भी जान गई इन फसादात में, मुसलमान वहां मुश्तइल हुए। इमाम का लड़का होने पे कुछ और ज्यादा इश्तआल हो गया और इमाम साहब ने सारी भीड़ के दरमियान खड़े होकर कहा कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत है, मेरा लड़का था, और तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत है तो तुम लोग सब्र से काम लोगे, मैं सब्र से काम ले रहा हूं, और ऐसा नहीं हो कि तुम अपनी बर्दाश्त ने खो दो मेरे लड़के की जान जाने पर, और तुम्हें निकलकर, मैं भी निकलकर अमन के लिए अपील करूंगा और तुम्हें भी यही करना है अगर तुम उससे मोहब्बत रखते हो, वरना मैं यहां से छोड़कर चला जाऊंगा कहीं। बहुत अच्छा मैसेज गया और वहां पर जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा, वो आग भड़क सकती थी, अब आग जो है वो डिफ्यूज हो गई, तो ये जवाब तो हमें वहीं बंगाल से ही मिल गया। बहुत बड़ी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि यहां बैठे हम बातें कर रहे हैं, जिनके घर जिनके बेटे मारे गए, जिनके बच्चे मारे गए, उनके दिलों से पूछिए, यहां जवाब तो उन्होंने दिया जिनके बच्चे की जान गई और एक मिसाल कायम की। तो असल में तो वो जो कुछ प्लान्ड वे में किया गया था उसको उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया जिनके अपने बेटे की जान गई थी, तो ये एक मिसाल उन्होंने कायम की और ये मिसाल कायम करने की दूसरी जगहों पर भी जरूरत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने भी दिया, वाकई बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी पर क्या बीती, मगर उसके बावजूद भी एक अच्छा मैसेज दिया। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है आज हमारे लिए समझना कि किसको कहाँ जरूरत है और अपने अपने को खोने के बावजूद भी कोई इस तरीके का मैसेज आप तक पहुंचा सकता है,
तो आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अगला सवाल हम ले लेते हैं, हमसे फैसल नदीम पूछ रहे हैं, क्या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सीधा संवाद करने मात्र से इस सांप्रदायिक कलह को हल करने का मार्ग निकलेगा? ये एक तरीका है डायलॉग्स, सिर्फ डायलॉग्स। ये जो सवाल किया गया है कि क्या सिर्फ इसी से कोई हल निकलेगा, तो सिर्फ इसी से नहीं, लेकिन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। और कम्युनल टेंशन बढ़ने के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। रीजन तो बहुत वाजह है, जो मैं साफ लफ्जों में कह भी चुका कि वो करवाया जा रहा है, हो नहीं रहा, लेकिन वो करवाया उनका जो कराना चाहते हैं या जो बढ़वा रहे हैं कम्युनल टेंशन, वो कामयाब इसलिए हो जाते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का इंटरेक्शन बहुत कम है। आपस में एक दूसरे के साथ में अगर रابطے होते हो, कुछ बातचीत होती हो, गुफ्तगू होती हो, और सिर्फ रابطے ही नहीं, उस इंटरेक्शन में मुसलमान अपनी अच्छी इमेज भी छोड़ सकते, तो फिर जहां लकड़ियां गीली होंगी वहां आग लगाई नहीं जा सकती, वहां आग लगाना मुमकिन नहीं है। तो असल बात तो ये थी कि मोहब्बत के पानी का छिड़काव होता, वो हुआ नहीं। बहुत जरूरी है ये समझना कि आपस में हम लोगों को दूरियां नहीं बना के रखनी चाहिए, जितना हो सके बात करते रहे हम लोगों के बीच में बना रहे एक रिलेशन। तो जी ऐसे, मेरे ऐसे साथ बहुत मौकों पर हुआ है, स्पेसिफिक वाकयात हैं जहां मैं बाय नेम नाम लेकर अपनी मुख्तलिफ किताबों में, गुजरात में फसादात हुए थे तब मैंने किताब लिखी थी गुजरात के बाद हालात और हल, उसमें नाम लेकर लोगों का तस्करा किया था कि वो लोग जो मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हम बेपनाह नफरत करते थे, आज से पहले और आज के बाद एक दिन के अंदर, थोड़ी सी देर के अंदर हमारा रुख बदल गया, और वो कंडक्ट उनका उसके बाद जारी रहा, खाली उस वक्त नहीं हुआ था, ये इंटरेक्शन से हुआ, बहुत सी गलत फहमियां दूर हुई। तो असल में वो जो मेरे तजुर्बात हैं वो चंद और लोगों के तजुर्बात हैं, लेकिन ये आम मुसलमान को भी इसका तजुर्बा करना चाहिए, मिले और मिलने के बाद गलत फहमियां दूर करें, बातचीत से भी, इस्लाम के बारे में समझाकर भी, और अपने अमल से भी। इसी के साथ साथ हमें आसिफ, आपने भी ऐसा ही कुछ सवाल भेजा था कि इसकी वजह मुसलमानों और हिंदुओं के बीच की दूरियां हो सकती हैं या आपस में और कम्युनिटीज के बीच की दूरियां हो सकती हैं। मैं समझता हूं आपको इस बात का जवाब मिल चुका होगा इस पूरे डिस्कशन से। अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल हमें मुजीब भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं इस मौके पर हमारे पास क्या हिकमत रहना चाहिए? कि बहुत सी बातें कही हैं कुरान ने, जहां पर आपको ये सिचुएशन और ये पोजीशन मालूम है कि आप न सिर्फ माइनॉरिटी में हैं, बल्कि जब कभी भी कहीं किसी जगह रॉयश या फसादात होते हैं तो इल्जाम कुछ भी लगाया जाए, लेकिन हमेशा रिजल्ट यही निकलता है कि बड़ी तादाद में जानों माल का नुकसान मुसलमानों का होता है। तो उस मौके पर ये समझना आपकी जिम्मेदारी है कि ये और आगे ना बढ़े। जब आप माइनॉरिटी में हैं और जब भी फसादात होते हैं तो उसमें नुकसान भी मुसलमानों ही का होता है, तो पूरी कोशिश आगे बढ़कर मुसलमानों को करनी है कि वो सिचुएशन अराइज नहीं हो, या अगर कहीं हो गई हो तो डिफ्यूज जल्दी से जल्दी हो जाए। एक जनरल जो इस्लाम ने आम उसूल दिए हैं आम हालात के, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, भलाई और बुराई बराबर नहीं होते, इत्फा बिल्लती ही आसन, बुराई को दूर करना है भलाई से, फैदल्लती बैन का वैन अदावत कानू वली उन हमीम, तुम्हारी दुश्मनी भी किसी से होगी तो वो पक्की दोस्ती में बदल जाएगी। असल में रवैया ये होना चाहिए। मसलन कुरान ने यह भी कहा, बहुत अहम बात है कि सिर्फ रवैया ही नहीं कि हम भलाई से जवाब दें बुराई का, बल्कि इल्म के लेवल के ऊपर भी, मजहबी इल्म के लेवल पर भी कुछ बातचीत की जरूरत है। मसलन कहा कुरान ने कि इनसे कहो कि
هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل. ہم سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایک ایشور کو تم بھی مانتے ہو، اور اس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بھیجا گیا، جو کلام اللہ نے بھیجا، اور اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے. بہت بڑی بات ہے جس طرف اشارہ کیا کہ ہم علم کے لیول کے اوپر بھی، اور مذہبی علم کے لیول پر بھی بات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں ان چیزوں کے اوپر. مذہبی منافرت ہے نا، تو جس چیز کو تم اپنا مذہب کہہ رہے ہو اس کا نہ صرف یہ کہ ہمیں علم ہے بلکہ صحیح علم ہے کہ وہ چیزیں کیا، وہ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں جو صحیح کہتی ہیں. اس حصے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں یہ ان دونوں چیزوں کی طرف گائیڈ کیا گیا ہے. بہت پیشنس کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے. مثلا ایک اصول جنرل دیا، عام اصول دیا قرآن نے کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے تمہارے ساتھ اگر برائی کی گئی کہیں. یہ کہا کہ اجازت ہے. فَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ. لیکن زیادہ اونچا درجہ اس بات کا ہے کہ پیشنس اور صبر کر سکو. یہ تو عام دنوں کی بات تھی، لیکن جہاں پلانڈ وے میں ایک منصوبے کے تحت حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو وہاں تو سمجھ لینا چاہیے. میں مثالیں دوں آپ کو چند. مثلا 1980s میں کچھ فسادات ہوئے، 70s 80s کے اندر ایک پیٹرن تھا. 7 جگہ فساد ایسے ہوئے کہ خنزیر سور کو کاٹ کر مسجد میں ڈال دیا گیا. 7 جگہ ایسے فساد ہوئے. اب ہوا تو مسلمان بھڑک کر نکلے باہر، ڈالنے والے پہلے سے تیار تھے، اور پھر فساد میں بدل گیا ان کا مسلمانوں کا بھڑک کر نکلنا. الزام بھی مسلمانوں پر آیا، جان و مال کا نقصان ہو، اسے تو ابرو کبھی نہیں کا ہوا، اور یہ 7 جگہ ہوا. ایک دفعہ ہو جانے کے بعد کیا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے جب دوبارہ اس واقعے کو دہرایا گیا کہ کس لیے ہوا ہے؟ اب حقوق کی جہاں تک سوال ہے کہ نہیں یہ کیسے ہوا، سازشوں کو سزا ملنی چاہیے، ہمارے مذہبی مقام ناپاک ہو گیا. ارے ناپاک ہو گیا، تمہیں شریعت نے طریقہ بتایا نا، 60 ڈول پانی بہاؤ تو پاک ہو جائے گا. اس جگہ خون کیوں بہا اتنا؟ وہ بھی تمہارا، اور خون تو چاہے اپنا بہے چاہے دوسرے کا بہے، خون تو خون ہے. وہاں ایک جانور کا خون تھا، ناپاک تھا، تم پاک کر لو مسجد کو. یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ کرانے والے، فساد کرانے والے کہیں اب بھی ہو رہے ہیں. اس طرح کے واقعات شروع ہوئے، کہیں ابھی آج کی خبر ہے، کہیں کسی کہیں یہ ہوا کہ ڈیسیکریشن کسی مورتی کی بے حرمتی کی گئی. کرانے والے تو نہ ہندو ہوتے ہیں نہ مسلمان، لیکن جن ان کے ڈیزائن جو اس کی وجہ سے فساد کرانا چاہتے ہیں، ان ڈیزائنز کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے انڈیویجولی بھی ہر ایک کو تیار ہونا ہوگا، اور ایک گروپ بھی اپنا ایسا ہونا چاہیے کہ جو فوراً اس وقت کچھ ایکشن لے اور کے ذمہ داروں سے ملے اور انہیں سمجھائے اور نکلے، اور لوگوں کو، اپنی طرف کے لوگوں کو روکے اور ان کے ذمہ داروں سے گفتگو کرے اور بات چیت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم، بہت اچھا سوال کیا تھا آپ نے، اور اس حکمت کے بارے میں آپ نے جانا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ ایسے وقت پہ ہمیشہ حکمت سے کام لیں اور بہتر طریقے سے اس میں آگے بڑھیں. اگلا سوال لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہمارا یہاں آ چکا ہے. راہل ہم سے پوچھ رہے ہیں، اگر اچانک کہیں رائٹس ہونے لگیں یا ہونے کا اندیشہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک انٹر ریلیٹڈ کوئسچن ہی ہے ایک طریقے سے، مگر ان کا کہنا ہے کہ اگر رائٹس ہونے لگ جائیں، ایسی سچویشن بن جائے کہ رائٹس ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اچانک ہو جائیں، اب اس سوال کو تو لائیں ہی نہیں، بہت سی جگہوں پر ہوں گے. یہ بات والے حصے کو سمجھیں کہ اگر ہونے کا اندیشہ ہو، اس لیے کہ ہونے کا اندیشہ سب جگہ ہے، تو اس لیے اس وقت تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے آپ جس سچویشن میں ہیں، جب ہو جائیں، آپ نکل کر لوٹ مار تو نہیں کریں گے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نکل کر لوٹ مار اور قتل عام کرنے لگے. ڈیفینڈ کرنے کی آپ پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہیں ہو جائے تو، اس لیے کہ جب جہاں ہوں گے وہاں پلانڈ ہوں گے. وہ پوزیشن یہ ہے کہ فسادات بہت سی جگہوں پر ہونے کا اندیشہ ہے،
अभी बहुत जल्दी जल्दी चार मकामात पर बिहार में हुए फसादात, बहुत जल्दी जल्दी हुए। वहां की कुछ खास पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं। बंगाल में हुआ आसनसोल के अंदर, या मेरे बात, ये बहुत से फसादात जो हुए वो मजहबी जुलूस के नाम पर हुए, रामनवमी के नाम पर। रामनवमी जिस लेवल पर इस साल मनाई गई, और बिल्कुल मुख्तलिफ था अंदाज उसके मनाने का, कभी ऐसी नहीं मनाई जाती थी हथियारों की इतनी बड़ी नुमाइश के साथ में और उन नारों के साथ में जिनका कोई ताल्लुक रामचंद्र जी से नहीं है या मजहब से नहीं है, उन नारों के साथ में। तो ये तो सिनेरियो आ रहा है और जगह जगह ऐसा होना है। बल्कि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में कहूं कि अफवाहें तो ये भी हैं कि 2019 से पहले राम मंदिर किसी ना किसी शक्ल में बना लिया जाए, और अगर कोर्ट उस सिलसिले में कुछ नहीं करती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए यूपी में बड़े पैमाने पर फसाद कराए जाए, ऐसी अफवाहें भी हैं। दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में छुटपुट और यूपी में बड़े पैमाने पर, तो ये कंपल्शन हैं कुछ लोगों के। तो अब जब हमें पहले से ये जो सवाल का दूसरा हिस्सा है यही स्टैंड करता है कि अगर अंदेशा हो तो क्या करें, तो फिर सिर्फ सवाल जवाब काफी नहीं है, निकलकर कुछ फौरन करने की जरूरत है। निकलने के बाद इंडिविजुअल भी ज्यादा से ज्यादा रابطے कायम करें, उन रابطوں के अंदर अच्छे अखलाक का मुजाहरा हो, उन्हें मालूम हो उनके काम आने का, उनके साथ में गुफ्तगू करने का, गलतफहमियां दूर करने का, और मुसलमानों में वो कमेटियां हो जो ज्यादा से ज्यादा, जो बहुत ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं। आपस में ना इत्तेफाकी है, एक कमेटी बनी किसी दूसरी जमात के लोग जो है उससे मुत्तफिक नहीं है, तो अच्छा भाई आप लोग भी बना लीजिए। और गैर मुस्लिमों के साथ में वो कमेटियां जो है इज्तिमाई राबते कायम करें निकलने के बाद। तो वो जब तक ये राबते नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक मुकाबला नहीं किया जा सकता, और इस वक्त कर सकने का काम सिर्फ यही है। एन मौके पे ना कोई अपोजिशन पार्टियां काम आ सकती हैं, ना कोई और सियासी पार्टियां, ना कोई पार्टी इन पावर काम आ सकती है। ये तो बात को तरह तरह के स्टेटमेंट्स हुआ करते हैं। तो पहले से तैयारी के लिए तो आप सिर्फ दो काम कर सकते हैं, अपने अखलाक का मुजाहरा करें, पहले से उनसे राबते कायम करें, और फिर राबतों के अंदर ये बहुत जरूरी है, ये एक मुनज्जम पैमाने पे सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि ये सिचुएशन इसलिए आ गई, यहां तक इस जगह पहुंच गई, ये अल्लाह का इताब है और अल्लाह का अजाब है कि बहसियत उम्मत अपनी जिम्मेदारी को आपने पूरा नहीं किया। इंडिविजुअल अलग होते हैं, उम्मत अलग होती है। उम्मत की हैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है, और इस उम्मत को निकाला गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो कुरान ने बताया था, उखरिजत लिन्नास, दुनिया के इंसानों के लिए तुम्हें लाया गया है। अब बड़ी तादाद के अंदर जगह जगह अगर मुसलमानों की समझ में आ जाए, वो खड़े हो, और वो जाने के बाद अच्छे अंदाज में हिकमत के साथ में उन तक दीन भी पहुंचाना शुरू करें। हमारा तजुर्बा तो ये है कि जिन लोगों से हमारे ये रबते रहे कि हम उन्हें दीन पहुंचाते हैं, वो हमसे नफरत नहीं करते, न माने हमारी बात, लेकिन वो ये महसूस करते हैं कि ये इखलास से हमारी जिंदगी बचाने के लिए हमारे पास आए, तो बड़ा एक एटीट्यूड के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। तो अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने अगर नहीं निकले तो इनके लिए तो एक ये यहां पर इस शक्ल में है, दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में दूसरे अंदाज में है। हर जगह बिजली मुसलमानों पर गिर रही है, सिर्फ क्या हिंदुस्तान में ही थोड़ी ये सिचुएशन, क्यों है ये ऑलराउंड सब जगह, ये म्यांमार में क्यों है और श्रीलंका में क्यों है, जहां पर मुसलमानों की कोई आतंकवादी कार्रवाइयां नहीं थी, कोई इकोनॉमिक क्लैश नहीं था, कोई पॉलिटिकल क्लैश नहीं था, इसलिए कि वो इनसिग्निफिकेंट है वहां पर, उसके बावजूद वहां उनके साथ ज्यादतियां और जुल्म होने लगे, उन लोगों के हाथों होने लगे कि जो बड़े पीसफुल कहलाते हैं बौद्धों के हाथों। फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमान जिन मुसीबतों में पड़ते चले जा रहे हैं लगातार, उन सबकी नेचर अलग है, यहाँ हिंदुस्तान में उसकी नेचर अलग है। ओवरऑल तो इसे समझना होगा कि ये पूरी उम्मत एक अजाब का शिकार होने क्यों जा रही है, फिर उम्मत की जिम्मेदारी अपनी अदा करें। अब इंडिविजुअल्स की बात नहीं रही ना, ये तो पूरी उम्मत की बात हो गई,
तो उम्मत को समझना होगा कि उम्मत की जिम्मेदारी क्या थी, या अल्लाह का इताब या अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई ताकतवर, कोई सियासी पार्टी, कोई टायरेंट, कोई ऐसा हो, कोई सम्राट, कोई शहनशाह तक कुछ नहीं कर सकता। तो ये सजा तो फिर ये हालात अल्लाह का कानून ही दिलवा रहे हैं ना, पैदा कर रहा है ये हालात भी, और ये सजा भी अल्लाह के कानून के जरिए हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसे समझना हो कि निकले मुसलमान और निकलने के बाद ये दोनों हिस्से पूरे करें, अपनी अखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी करें, रबते भी कायम करें, और ये शुरू कर दें फौरन ऐन मौके पर। कुछ नहीं होता, बल्कि उस वक्त तो बात सुनना नहीं चाहते जिनके दिलों में नफरत होती है। इस वक्त जहां जहां और हर जगह ये जहां समझ रहे हो बड़ा पीसफुल माहौल है, वहां पीसफुल नहीं रहेगा। ये टेंशन हर जगह आना है, जब बड़े पैमाने पे जगह जगह अगर कुछ लोगों का मफाद इसी में है कि कम्युनल टेंशन के जरिए वो ऊपर आ सकते हैं, अपने मकसदों मकासद को पूरा कर सकते हैं, तो वो तो लगातार इसकी कोशिश न सिर्फ ये कर रहे हैं, बल्कि उनकी कोशिशें बहुत ओपन हो चुकी हैं, खुद उनकी तरफ से ओपन है, और खुद हिंदुओं में बहुत से गिरोह और ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज भी उनकी कोशिशों को बहुत ओपनली बयान कर रही हैं। तो फिर ऐसे मौके पर निकलने के बाद उन्हें उनसे रबते कायम करें, और अखलाकी रबते भी हों और दीनी रबते भी हों, ये बहुत जरूरी है। उन्हें बताएं कि तुम्हारा नुकसान क्या है, हम तुम्हारे भलाई चाहते हैं, यहाँ भी भलाई चाहते हैं, हम तुम्हारी भलाई इस दुनिया के बाद भी परलोक में भी चाहते हैं। दीन क्या है, धर्म ये नहीं है जो कुछ हो रहा है, ये रामचंद्र जी कुछ कोई और थे, राम कोई और था, तो हम उस राम के नाम पर जो रामचंद्र जी के राम थे उस पर तुमसे हम गुफ्तगू और बातचीत करना चाहते हैं। ये शुरू कर दें फौरन और हर जगह शुरू कर दें, वरना फिर अल्लाह का अजाब है जो बढ़ता आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी अभी अलावा बताया कि ये कुछ हिंदूज में सिर्फ कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अपने जाती फायदे के लिए इसमें आग बढ़ाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें मुस्लिम्स का क्या रोल आता है कि उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो जाती फायदों का इन चीजों के लिए फायदा उठाते हैं? जी यकीनन है, और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को जो मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे शह मिली है, दोनों को एक दूसरे से मदद मिलती है, तो यकीनन है। और चूंकि उनके मफादात है तो उनको तो नहीं रोका जा सकता, ना हिंदुओं में जो ऐसे लोग हैं उन्हें रोका जा सकता है, ना मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो उन्हें रोका जा सकता है। जब बात यह हो रही है कि हम मुसलमानों को क्या मशवरा दें, तो हम कम से कम हम हिंदुओं को मशवरा नहीं दे सकते, लेकिन मुसलमानों को तो ये मशवरा दें कि उन लोगों से बचें और उनसे होशियार रहें, और अपनी तबाही जो आगे आ रही है उसको नजरअंदाज नहीं करें, इसलिए कि वो जो लीडर्स हैं वो तो फिर भी बच जाएंगे। ये परेशानी के अंदर, मुसीबतों के अंदर तो आम आदमी ही गिरफ्तार होगा, लीडर्स बच जाएंगे, उनको जो सजा मिलेगी वो हो सकता है कि यहाँ दुनिया में ना मिले, आखिरत में मिले, उस सख्त सजा मिले। लेकिन दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, मुसलमानों को अपने यहाँ कम से कम ऐसे लोगों से होशियार होने की जरूरत है, और उनसे अलग हटने के बाद उन लोगों से राबता कायम करने की जरूरत है, अच्छा राबता कायम करने की जो हिंदुओं में नफरत फैला रहे। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है, नावेद इरफान हमसे पूछ रहे हैं। पहले आपको सलाम कह रहे हैं नावेद, फिर वो पूछ रहे हैं, इस्लाम as we all know RSS lobby is creating hatred among Hindus, what we Muslims can do to nullify their effort? सीधे उन्हीं के पास पहुंच जाइए ना जिनका आप नाम ले रहे हैं जी। अगर आपके ख्याल में RSS वाले नफरत फैला रहे हैं तो आप RSS वालों से जाकर मिलते क्यों नहीं? हम मिलते हैं तो हमसे तो RSS वाले बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और मेरा जाती पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि मैं RSS वालों से जो कुछ भी कहता हूँ, किसी तरह की भी कोई बात पर्सनल, किसी की सिफारिश किसी के लिए, तो फौरन खड़े हो जाते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो तो होगा। तो निकलने के बाद डायरेक्ट उन्हीं से मिले ना, उनमें भी ऐसे लोग हैं, बाज ऐसे होंगे हर जगह नफरत फैलाने वालों के अंदर जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनमें इंसान है सब जगह, और उनमें ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं और निकलेंगे जिन तक आप पहुंचे नहीं है, जिनकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई है। देखिए मैं मिसाल दूं आपको, तकरीबन 15 साल पहले की बात है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए एक साहब यहां पर एक कैंप हमने लगवाया था रामपुर में, बुलाया उन्हें, आए थे यहाँ, बहुत मुश्किल से आए थे, बड़ा अजीब दास्तान है, बहुत वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे उस कैंप के लिए। बहरहाल तैयार किया गया, कैसे उनको हमने तैयार करवाया, आ गए वो।
वो कैंप 10 दिन चलना था, 10 दिन यहां रहे, आज तक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। और उन्होंने मुझसे कहा कि मुसलमानों से मैं बेपनाह नफरत करता था, अब वो नफरत नहीं रही, गलतफहमियां दूर हो गई, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं, मेरा कभी किसी मुसलमान से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, उनके डॉक्टरेट कर लेने तक, पीएचडी कर लेने तक, और उसके बाद फिर जॉब में थे वो, और उसमें कई साल गुजर चुके थे, और उनका किसी एक भी मुसलमान से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने जो कुछ सुन रखा था, जो कुछ उनको बताया गया था, वो सिर्फ गलतफहमी का हिस्सा उन्होंने सुना था। उन्होंने खुद मेरे घर बैठने के बाद फोन किया अपनी जमात के जिम्मेदारों को मेरे सामने, और उनसे कहा कि मैं ऐसे मुसलमानों से मिला हूं जो ऐसे नहीं है जो कुछ हम सुनते रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी मिलना चाहिए, कम से कम करीब आकर तो देखिए। तो ये फर्क होता है रابطे होने से, और लेकिन उन रابطों के अंदर ये दोनों कोशिशें हो शामिल, खाली ये हेलो हाय वाला रابطा जो है वो काफी नहीं। उनको महसूस हो कि आप उनके कहीं काम आना चाहते हैं, उनको महसूस हो कि आप मुल्क क्या बुरा चाहने वालों में से नहीं, मुल्क को हमेशा ऊपर रखने और अच्छा उसके खैरखाहों में से हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वालों से में से हैं। उन्हें महसूस हो कि हम इंसान से, आप भी इंसान से मोहब्बत करने वाले हैं, और उन्हें यह भी महसूस हो कि हमारी भलाई की खातिर ये हमें परलोक या आखरत का सही रास्ता बता रहे हैं, चाहे वो उसको यकीन करें या ना करें, लेकिन ये चीज तो पहुंच ही जाती है कि चाहते तो हमारी भलाई है। लेकिन ये सारी बातें हो ईमानदारी के साथ में, एक्टिंग नहीं हो उसमें, तो एक्टिंग तो जानवर भी पहचान लेता है, इंसान कभी कभार थोड़ा बहुत धोखा खा जाए, ज्यादा धोखा नहीं खाता, वाकई दिल से हो, ये बातें पहुंच जाए दिल से, और फिर वो दिल से अपनी जिम्मेदारी को खड़ा पूरा करने के लिए उठ खड़े हो, तो ये मुमकिन ही नहीं कि असर नहीं। मैं तो देखते चले आए हम लगातार असर के, एक एक दिन के अंदर दिल की दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल बेशक, लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, जो लोग अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है राइज इन कम्युनल टेंशन इन इंडिया, भारत में बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव। तो हमें अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, और क्वेश्चंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक से रिलेटेड ही हमें भेजें। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जवाब ने किया है, ये इस्लामी लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी एक सवाल किया है उन्होंने। वो पूछ रहे हैं क्या अल्लाह के रसूल के वक्त कभी कम्युनल टेंशन डेवलप हुई थी, और वो कैसे इन सिचुएशंस में डील करते थे। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो दो हिस्से, एक मक्की जिंदगी का और एक मदनी जिंदगी का, उसमें दोनों जगह ऐसा नहीं हुआ कि जिसे हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं उसकी तादाद कोई कंसिडरेबल एक विजिबल हो। मक्के के अंदर बहुत थोड़े से मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी, तादाद की अच्छी खासी होती तो हम कहते कि ग्रुप इधर बन गया, एक ग्रुप उधर बन गया, ये तो स्कैटर्ड थे, इनके साथ अलग अलग जगह जगह जुल्म हो रहे थे उस हिस्से को, और हुक्म ये था कि बर्दाश्त करो, जवाब मत दो, बहुत छोटी सी थोड़ी उसको ही हम यहां से आज के दौर से किसी ऐसी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते जहां हमें एक रिकॉग्नाइज बड़ी माइनॉरिटी कहा जाए। फिर उसके बाद सिनेरियो बदल गया मदीने में, मदीने में मुसलमान पावर में थे, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी से कम्युनल हेट्रेड रखें, उनसे कम्युनल हेट्रेड जो दूसरों ने रखी लेकिन कम्युनल राइट्स नहीं हुए, तो वो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन वहां तो एराइज नहीं हुई, लेकिन यहां भी नहीं होती अगर हम अपनी दीनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं, तो यहां भी नहीं होती, और दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हो सकती अगर हम अपनी जिम्मेदारी को, दीनी जिम्मेदारी को हम अगर अदा करें, तो हमने अपनी दीनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। बिल्कुल, अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है यहाँ दानिया ने, वो पूछ रही है कि कम्युनल टेंशन तो इंडिया में हमेशा ही होते रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ गए। जी जी, गुफ्तगू में जवाब आ चुका है, लेकिन मैं उसे दूसरे लफ्जों में दोहरा दूं, मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर मैं दोहरा दूं कि अब पहले कहीं कहीं होते थे तो किसी एक खास जगह पर जरूरत होती थी, किसी एक पार्टी को या किसी एक मकाम के ऊपर अपने
कम्युनल राइट्स अगर कहीं करवाए गए हो नहीं गए तो। अब असल में डिजाइन ऐसा है कि पूरे मुल्क के अंदर जरूरत महसूस हो रही है कुछ लोगों को कि कम्युनल टेंशन हो। कम्युनल टेंशन अगर नहीं होगा तो वोट्स पोलराइज नहीं होंगे, कुछ कुछ मुसलमानों को मुसलमान वोट तब मिलेंगे जब वो कुछ कम्युनल बयानात देंगे और कम्युनल नारे लगाएंगे और कम्युनल तकरीरें करेंगे। और बड़ी तादाद के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि वो हिंदू वोट पोलराइज करके अपनी तरफ लाना चाहती हैं, तो जब तक वो पोलराइज नहीं होगा उनके हक में और उनके फेवर में, उस वक्त तक उन्हें अपने मंसूबे पूरे होते नजर नहीं आते। तो जब इस बात को मैं समझता हूँ कि सवाल करने वाले जो हैं वो भी समझ रहे हैं और समझते हैं जो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो असल बात तो ये है कि जो इससे पहले मैंने इसके इलाज की बात की और जो उसके लिए फौरी एक्शन जिस एक्शन के जो कदम उठाने की जरूरत है उसे करना शुरू करें ना फौरन। जी, इसी से रिलेटेड नादर साहब एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि अखलाक दिखाएं, लेकिन आज राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि आज हमारे अच्छे अखलाक भी कबूल नहीं किए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करें? सवाल करने वाले का और मेरे तजुर्बा अलग क्यों है? सिचुएशन एक है, मकाम एक है, तो आपका तजुर्बा अलग और मेरा अलग ऐसे कैसे है? जब माहौल एक है तो दोनों का तजुर्बा एक होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, जिन सवाल करने वाले ये कह रहे हैं कि आज ये हो रहा है कि अखलाक भी काम नहीं कर रहे, आपने निकलकर कितने लोगों से राबते कायम किए हैं और उनसे वाकई अखलाक का मुजाहरा किया है और फिर वो आपको लगातार बुरा जवाब दे रहे हैं? किया कितनों के साथ में, ये तो थ्योरेटिकल सवाल होगा, इसलिए कि हमारे साथ तो बहुत लंबा एक पीरियड गुजरा है और हमारे साथ में और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ एक बड़ा लंबा पीरियड गुजरा है। ये चंद दिनों की बात नहीं और आज की बात भी है कि हम प्रैक्टिकली निकलकर राबते कायम करते हैं और जहां बहुत अच्छे अखलाक की बुनियाद पर भी और दावत की बुनियाद पर भी, दोनों बुनियादों पर हमारे ताल्लुकात हैं और उनके रिजल्ट हमें नजर आते हैं हमारी हद तक। बाकी लोगों के लिए वो कहते हैं, जबानों से कहते हैं आप अच्छे मुसलमान हैं, सब मुसलमान ऐसे नहीं है, तो सब ऐसे क्यों नहीं है, उनकी नजर में क्यों नहीं है? सवाल करने वाले निकलकर देखें ऐसा कैसे है कि जब माहौल एक है तो उनका तजुर्बा अलग है और मेरा लगातार, और हमारा मेरा अकेले का नहीं, और बहुत से लोग हमारे साथ हैं उन सबका लगातार कंसिस्टेंटली तजुर्बा अलग है कि नहीं, जितने लोगों के साथ में उनके ताल्लुकात इन बुनियादों पर पैदा होते हैं वो पे कर रहे हैं और वो वहां उनका रवैया कम अज कम उन लोगों के लिए बदल रहा है। जी, इसी पर अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। असद हमसे पूछ रहे हैं, ये ठीक है कि दोनों तरफ के कुछ लोग अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं, लेकिन जो नफरत हिंदू भाइयों के दिलों में है उसके लिए कुछ अज्ञानी मुस्लिम उलेमा के भड़काऊ और बांटने वाले भाषण नहीं है जो वो गड़ी हुई बातों को सही मानकर देते हैं? देखिए, लफ्ज उलेमा जो इन्होंने इस्तेमाल किया असद साहब ने, मेरी नजर पर उलेमा ऐसे नहीं है, वो उलेमा भी जिनकी बहुत सी बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं है, मेरी नजर पर ऐसे उलेमा नहीं है जिन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया। कुछ सियासी जरूर है मुसलमानों में ऐसे जो उलमा नहीं है, ये चूंकि सियासत के लिए हो रहा है इसलिए सियासी लोग ही वो हैं जो हिंदुओं में हैं ऐसे, और सियासी लोग ही वो हैं जो मुसलमानों में हैं ऐसे, जो जिन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया है बजाय इसके कि उन्हें पैसिफाई करें और उनको एक ट्रूथ का, एक आपस में मोहब्बत का रास्ता दिखाएं और सिखाएं, सियासी लोग कर रहे हैं और सियासत के लिए हो रहा है। जी, दो क्वेश्चंस और हैं हमारे पास जो कि लगभग एक से ही हैं। उसमें पहला सवाल है कि इन दंगों का शिकार मुसलमानों को ही क्यों बनाया जाता है, और ऐसा ही दूसरा सवाल है, क्या इन दंगों का शिकार मुसलमानों को ही बनाया जाता है? उन्होंने एक, देखिए, जब दो ग्रुपों में टकराव हो जाएगा, दंगा जिसे आप कह रहे हैं तो यह है कि टकराव हो गया, जब दो ग्रुपों में टकराव हो जाएगा तो टकराव में तो जो कमजोर होगा नुकसान तो उसी को पहुंचेगा ना, और अगर टकराव ना हो, एक ही ग्रुप दूसरे पर हमला करे तो छोटा ग्रुप तो बड़े पर नहीं करेगा, बड़ा ही ग्रुप करेगा छोटे पर, जो बहुत छोटा होगा वो बड़े पर करेगा क्यों हमला, कैसे करेगा, किसी मत के साथ में करेगा? तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बात तो ये कि टकराव को आप रोक सकते हैं, और आपने प्रॉपर एफर्ट, ऑलराउंड एफर्ट पूरे मुल्क के अंदर एक कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं की है। प्रियंका शर्मा हमसे अगला सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भारत में धार्मिक शांति कैसे स्थापित हो, ये जरूर बताएं। धार्मिक शांति
तो असल धर्म पर जाने ही से मिलेगा ना, जब लव धर्म धार्मिक आ गया। और धर्म के बगैर असल शांति तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर ये जिसे आप आज का टॉपिक कम्युनल टेंशन था, लेकिन अगर ये कम्युनल टेंशन रुक भी जाए तब भी शांति नहीं होगी। हर एक की अपनी जिंदगी में शांति नहीं होगी, ग्रुपों की लाइफ में, ग्रुप्स की लाइफ में भी शांति नहीं होगी। शांति तो जो शांति देने वाला है उसी के शरण में मिलेगी, उसी की पनाह में मिलेगी। और वो एक है तो फिर धर्म बहुत से नहीं हो सकते। उसने यहां पर इंसानों को मौजूद कर दिया, उसने जो कुछ चाहा कि वो क्या कैसा जीवन अपनाएं और यहां पर कैसे जीवन व्यतीत करें, यहां पर जिंदगी कैसे गुजारें, उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, तो धर्म भी एक ही होगा। तो असल बात तो यह है कि आपस में वो डायलॉग हो, लेकिन वो डायलॉग भी इल्म की बुनियाद पर हो। लोग अपने स्क्रिप्चर्स को तो जानते हो, हमने तो डायलॉग बहुत से ऐसे देखे, बल्कि बाद डायलॉग्स में मैं भी ऐसे शरीक हूँ कि जहां पर मैं ये महसूस करता हूँ जिनसे हम बात कर रहे हैं वो अपने ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को जानते ही नहीं है। अब वो बात जिन चीजों की बुनियाद पर कर रहे हैं वो ओरिजिनल, वो उनके धर्म ओरिजिनल धर्म ग्रंथ ही नहीं है। तो बात यह है कि अगर धर्म ग्रंथों का ज्ञान, और धर्म ग्रंथों हम तो मैं कह रहा हूँ अलग अलग भाषाओं के अंदर हो गए, लेकिन असल बात तो ये है कि वो सब हमारे ग्रंथ है ना। तो ये इस स्पिरिट के साथ हम जाए और उनसे कहें कि ये सब भी कुरान भी तुम्हारा ग्रंथ है, ये तो हम तब जाके कह सकेंगे जब हम ये कह सकें कि ये हजरत ईसा मसीह जो कुछ लाए वो भी हमारा ग्रंथ है, महाजल प्लान वाले मनु जो कुछ लाए वो भी हमारा ग्रंथ है। अभी मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी उसके अंदर यही तो था कि उनसे कहो जाकर के हमसे क्यों लड़ रहे हो भाई, क्यों नाराज होते हो, हम तो जो हमारी तरफ भेजा गया उस पर भी हम, और उसी धर्म का किसी और भाषा के अंदर तुम्हारी तरफ भेजा गया एक ग्रंथ हम उसमें भी आस्था रखते हैं। आस्था तो इसी वजह से रखते हैं दोनों के अंदर के दोनों का संदेश एक है। असल में इस एक संदेश को समझें और इस एक संदेश को फैलाएं, कम से कम जो लोग जानते हैं वो तो फैलाएं, जो नहीं जानते। और हमने तो ये देखा है, क्योंकि ये खाली जबानी थ्योरेटिकल बात नहीं है, हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो इसे लेकर जाते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों के ग्रुप से मिलते हैं, गांव गांव जाते हैं, और लोग उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उसे जाकर कहते हैं कि मैं जब किसी के सामने रखूंगा कि भाई मैं कुरान में ईमान रखता हूँ, मैं उसमें भी ईमान रखता हूँ जो अल्लाह ने, ईश्वर ने आपकी तरफ भेजा था, इसलिए कि वो ईश्वर की तरफ से भेजे गए ग्रंथ किसी एक समुदाय के नहीं होते, वो तो सारी मानवता के लिए होते हैं। तो कुरान आपके लिए भी है और वो ग्रंथ तो मेरे हैं, मैं पहले से मानता हूँ। आप इस मैसेज को लेकर जाएंगे तो मोहब्बत तो उसी जगह से शुरू हो जाती है, हमने देखा है, ये खाली ये भी थ्योरेटिकल बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत उसी जगह से एक आपस में एक बंधन, एक एक स्पिरिट यूनिफॉर्मिटी की तो उसी वक्त पैदा हो जाती है। लेकिन असल बात तो यह है कि आप अपने धर्म के बारे में, जो सचमुच धर्म है उसके बारे में, जो एडिशन आपकी तरफ भेजा गया उसके बारे में जानते हो तभी तो कर सकेंगे, और उसके बारे में भी जानते हो, उसे अपना धर्म ग्रंथ समझकर कीड़े निकालने के लिए मत पड़े, उसे अपना धर्म ग्रंथ समझने के बाद उसे भी आप जानते हो, और फिर उन समान शिक्षाओं को आप ले जा सके लोगों के सामने और बताएं कि ये कहते हैं और ये इस पर हम आस्था रखते हैं, तो एक मोहब्बत पैदा होती है और उसे हमने देखा है कि पैदा होती है। तो असल बात तो ये है कि उसे एक धर्म की, धर्मों की बात नहीं, धर्मों का ट्रूस नहीं, ये तो ये धर्मों से हटने के बाद लोग अलग अलग मजहबों के ऊपर आ गए हैं, लोग अलग अलग रिलीजन्स के ऊपर आ गए हैं। एक जब वापसी होगी तो एक धर्म की तरफ वापस लौटेंगे, तो जब एक धर्म की तरफ, इसलिए कि मान्यताएं चाहे किसी हम अलग या अकायद वो किसी चाहे अलग भाषा के अंदर हो, लेकिन मूल संदेश एक होगा, तो जब हम उसे लेकर जाएंगे तो आपस में मोहब्बत और आपस में एकता कैसे नहीं बनेगी, होती है। बेशक बहुत ही खूबसूरत बात अलामा ने बताई है, और इस बात को प्लीज रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोगों से कहूंगा कि समझने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमसे जुनैद पूछ रहे हैं, अल्लाह ने तो मुसलमानों की हिफाजत का वायदा किया है, तो फिर राइट्स में मुसलमान क्यों मारे जाते हैं? अल्लामा इकबाल ने एक किताब लिखी शिकवा, तो ये शिकवे वाला सवाल तो कर रहे हैं, ये बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर तो, और फिर उसमें उस शिकवे के अंदर अल्लामा इकबाल ने बड़ी शिकायतें की अल्लाह से कि हमने तो आपके लिए अल्लाह बहुत कुछ किया था, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दश्त और दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, सब कितना हमने आपके लिए किया, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये इकबाल ने शिकवा लिखा था, और फिर उसके बाद बड़ा तूफान हुआ, बड़ा हंगामा हुआ कि ये बड़ी गुस्ताखी की बातें लिख दी, तो वो उन्होंने रोका था,
फिर उसके बाद उन्होंने वो इशू किया जो उसके बाद लिखा जवाब शिकवा अल्लाह की तरफ से कि दश्त दरिया भी ना छोड़े किसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े किसने, तुमने थोड़ी, जिन्होंने दौड़ाए थे वो मुसलमान थे, तो फिर अल्लाह ने उनकी उनके इस्लाम जो है उसकी कदर भी की। ये तो है औफू बियादी उफी बियादिकुम, तुमने जो अहद मुझसे किया है तुम उसे पूरा करो, तो मैंने तुमसे जो अहद किया है उसे मैं पूरा करूं। अल्लाह ने तो ये दो तरफा बात रखी है। अब आप ये कहते हैं अल्लाह से कि आपने जो वादे किए वो पूरे किए चले जाइए, हमें पूरा करना नहीं है जो हमने आपसे तय किया, तो ये एक तरफा तो नहीं चलेगा। तो शिकायत की बात यह कि अल्लाह ने वादा किया है, किन से किया है, जिनसे वादा किया है उनमें शामिल हो जाइए, तो वादा आपसे है। अगला सवाल ले लेते हैं हम अपना। अगला सवाल हमें यहाँ पे वसीम पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन रूट कॉज एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस। मैं तो अभी इतनी देर से इसी की बात हो रही थी, रूट कॉज। तो देखिए दीन अल्लाह की तरफ से एक ही आया, वो दीन बड़ी तादाद में मुसलमानों की जिंदगी से भी निकल गया, सिर्फ अमल ही में नहीं इल्म में भी निकल गया, वो दीन मजहब में बदल गया, तरह तरह के अकायद और फिरकों में बट गया वो, और ऐसे ही वहां पर भी हुआ, वो और पुराने हैं, इससे पहले के जो एडिशंस हैं उनकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई, वो भी अलग अलग बहुत से समुदायों में बट गया। आप जोड़ना चाहते हैं एक दिन पर सबको वापस लाने की कोशिश कीजिए, खुद अपने मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों से जब बात करें तब भी, और जब गैर मुस्लिमों के पास जाए तब भी उस दीन के ऊपर वापस लाने की कोशिश कीजिए, उन स्कीचेस के थ्रू कीजिए जिन पर कुरान ने हमसे कहा है तुम ईमान रखो, और उनसे कहो कि हम इसमें ईमान रखते हैं, उसके थ्रू कीजिए, इसलिए कि शुरू में तो उसे गैर ही समझेंगे वो। तो असल बात तो ये है कि रूट कॉज की बात की, रूट कॉज हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, अल्लाह का अजाब है। अब उसके बाद फिर ये नीचे की बात है कि अजाब के तरीके अलग अलग है, तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग है या हिंदुस्तान में अलग है। हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह को आपके ऊपर, अल्लाह आपको के ऊपर उन लोगों को मुसल्लत कर देगा जो आपसे, जिनके दिलों में नफरत इसलिए पैदा हो गई कि हमने उन्हें अपना नहीं बनाया, इसलिए उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई, तो उनको आपके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। तो अल्लाह ऐसे नहीं करता कि अल्लाह आने के बाद कुछ यहाँ पे एक्शन लेना शुरू करे, अल्लाह का कानून है जो बना हुआ है, तो वो लोग उस कानून के तहत वो लोग यहाँ पर आग को भड़का रहे हैं और आपके ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं, और अल्लाह का कानून उन्हें नहीं रोकता, इसलिए कि आपको जो हथियार दिए थे आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये तो बढ़ता जाना है और उनको आपके ऊपर मुसल्लत होना है। कॉज ये है, रूट कॉज तो यही है, और रेमेडी ये है कि निकलिए। निकलने के बाद मैं तो कई बार दोहरा चुका इस बात को कई सवालों के जवाब में कि पर्सनल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कीजिए, और वो पर्सनल रिलेशनशिप एक्टिंग की नहीं हो। अभी तो घेटोज बने हुए, मुसलमान अलग हैं, ये अलग हैं, ज्यादा से ज्यादा साथ में बैठकर चाय पी लेते हैं, वहां इश्यूज के ऊपर उनसे बात हो जो आपकी तरफ से गलतफहमियां गलतफहमियां दूर हो, इंटरेक्शन हो, और दीन का पैगाम जरूर जाए, ये बहुत असर करता है। और ये खाली जबानी बात नहीं है, हमारा ये तजुर्बा तो पिछले 30 साल का है, बहुत असर करता है और वाकई मोहब्बत के ताल्लुक पैदा हो। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है, अगला सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये बिंत सरफराज पूछ रहे हैं हमसे कि कम्युनल टेंशन के बढ़ जाने में मीडिया का कितना रोल है। जी बहुत बड़ा रोल है, और बात यह है कि मीडिया जिन लोगों के हाथों में है वो भी उनके साथ में शामिल हैं, उनके भी अपने मफादात हैं। मीडिया ये देखता है कि डिफ्यूज करने में मीडिया का फायदा है या भड़कने में मीडिया का फायदा है। फिर कुछ और सियासी हालात भी ऐसे हैं कि मीडिया ने सरेंडर किया हुआ है इस वक्त मुकम्मल अपने आप को, इसलिए कि जो जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उन्हें बहुत परेशानी होती है। रोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं ये सब मीन्स हैं, और ये भड़काते किन को हैं? इन्होंने अपनी ये अब न्यूज पहुंचाई और बहुत से लोगों तक पहुंच गई, जहां जहां पहुंची उन सब जगहों पे मुसलमान भी हैं या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तो एक जगह से बैठकर न्यूज दी और वो हिंदुस्तान के कई सौ जिलों में पहुंच गई, तो उन कई सौ जिलों में मुसलमान भी रहते हैं नहीं रहते हैं?
जब उनकी न्यूज पहुंच गई तो आप निकलने के बाद उन लोगों तक फिजिकली पहुंच जाइए, ये नहीं पहुंचे, ये अप्रोच नहीं हुई। ये पहुंचे तो फिर उस न्यूज को रिजेक्ट करने लगेंगे। आप जब दूर होते हैं तो न्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, उसी न्यूज को मुंह पर मारने लगेंगे। न्यूज को जिस दिन वो रिजेक्ट करने लगेंगे उस दिन मीडिया, मीडिया को तो फिर अपनी टीआरपी चाहिए, मीडिया को ये चाहिए कि लोग क्या पसंद करते हैं। उनके वो न्यूज रिजेक्ट करने लगेंगे तो वो न्यूज देने लगेंगे जो लोग पसंद करते हैं। तो जो मीडिया फैलाए आप उसे डिफ्यूज कर दीजिए, आप करते नहीं वो फैलाते हैं। तो ये तो सिर्फ शिकायतें भी चल रही हैं, ये सिर्फ सवाल भी चल रहे हैं और हम निकल कर नहीं कर रहे कुछ। हर जगह हर लेवल के ऊपर अगर मुसलमान ये नहीं करना शुरू करेंगे तो वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे वो तो बचाए जाएंगे, लेकिन जो कुछ हालात सामने आ रहे हैं इसके अंदर उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को उस इताब का शिकार होना ही है जो नजर आ रहा है कि बढ़ता चला आ रहा है, उसे भी रोका जा सकता है। जी, तो ब्लेम करने के साथ साथ आज हमें ब्लेम करने से आगे बढ़ना चाहिए और कदम अपने आप उठाने चाहिए इन सब चीजों को। देखिए असल जिम्मेदारी तो पहले नंबर पर, ये सामने से तो नजर आ रही है कुछ सियासी पार्टियों की, किसी खास सियासी पार्टी के मफाद की, उनके डिजाइन और उनके मैनिफेस्टो की, उनको किस तरह के वोट चाहिए इसकी, ये चीजें नजर आ रही हैं सामने से। लेकिन और पीछे क्यों नहीं जाते आप उसके, ये क्रिएशन किसकी है, ये होते ही नहीं अगर हमने अपनी यहां पे अपनी जिम्मेदारी अदा की होती। इस्लाम किसी मुल्क में दाखिल होता है, इस्लाम ये तारीख रही है पूरे इस्लाम की, इस्लाम वहां माइनॉरिटी बनता है, इस्लाम वहां मेजोरिटी बन जाता है। इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हुआ ये एक्सेप्शन है, दुनिया में दो एक्सेप्शन में से एक हिंदुस्तान है, सिर्फ दो एक्सेप्शन है। इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, इस्लाम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी बना, माइनॉरिटी रह गया। ये माइनॉरिटी क्यों रह गया, इसलिए कि फिर किसी स्टेज के ऊपर बिल्कुल शुरू में ऐसा हुआ कि इन्होंने वो काम छोड़ दिया जो ये दूसरी और जगहों पर हुआ करता था, लोगों की खैरख्वाही, उनकी भलाई, उनकी वेलविशिंग, दुनिया की भी और आखिरत की भी, ये ऐसा कहीं छूट गया, उसे वापस ले आइए, यहां ये प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी। आप माइनॉरिटी में नहीं होंगे, आप माइनॉरिटी में है, ये तो इस वक्त के मसाइल आपको नजर आ रहे हैं कि माइनॉरिटीज के, आप माइनॉरिटी में है क्यों, ये आपका कसूर है। आपसे 1000 साल पहले आपको मेजोरिटी में होना चाहिए था, तो आपको मेजोरिटी में, इस सेंस में नहीं कह रहा कि हम रूल करते, मैं उन्हें दूसरा कह रहा हूं, इधर अपना, वो सब हमारे हैं, सारी इंसानियत हमारी है। लेकिन जिस चीज को मैं समझ रहा हूं कि मेरा इस नुकसान है और हमेशा का नुकसान है, तमाम जिंदगी का नुकसान है, उससे मैं दूसरों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता। और अगर मेरे पास सही दलीलें होंगी तो दूसरे मान जाएंगे, क्यों अपना नुकसान चाहेंगे, नहीं कोशिश की। किसी घर में आग लगी हो और आप निकलते चले जाए और पानी लेकर नहीं दौड़े, आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हमेशा कि वो यकीनी आग में जलने जा रहे हैं, आपको पूरा यकीन है, आपने बचाने की कोई कोशिश नहीं की। तो जिसे बचाने की कोशिश नहीं की वो यहां जाते जाते आपके ऊपर दो चार अंगारे क्यों ना मारते जाए, प्रॉब्लम ये है। अगला सवाल आ चुका है हमारे पास, आशीष हमसे पूछ रहे हैं। आशीष ने एक ऐसा सवाल किया है जो अक्सर हम लोगों के दिलों में आता है, बहुत सारे लोग इस बात से बेचैन हो चुके हैं कि इतनी ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ चुका है हम लोगों के बीच, तो क्यों ना, इनका सवाल अब ले रहा हूं मैं, कि क्यों ना हम धर्म को ही मानना क्यों ना छोड़ दें, जब धर्म ही इस्तेमाल किया जा रहा है कम्युनिटेशन को बिल्ड करने के लिए। धर्म को तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, धर्म इतनी छोटी चीज ही नहीं कि आप उसे इस्तेमाल कर लें। ये तो धर्म को बिगाड़ने के बाद उसके डिस्टॉर्टेड एडिशन जो मजहब बन जाते हैं, जो रिलीजन बन जाते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये इंसान खुद बनाते हैं बिगाड़ने के बाद, डिस्टॉर्ट करने के बाद, उन्हें इस्तेमाल न सिर्फ किया जा सकता है बल्कि इस्तेमाल किया जाता है। धर्म को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, धर्म में तो ढलता है जाकर और कामयाब हो जाता है। तो धर्म को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, धर्म को छोड़ने की वजह से तो बर्बाद हुए, और आप कह रहे हैं धर्म की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, मजहबों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, फिलोसफीज की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, दर्शनों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, रिलीजन्स की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। धर्म तो एक है, धर्म की वजह से बर्बाद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, धर्म तो सफलता और कामयाबी और फलाह की तरफ ले जाता है। धर्म के नाम पर कहा जाए या फिर धर्म में ही, मतलब इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं लोगों ने धर्म को समझना छोड़ दिया ना। धर्म संस्कृत में धर्म कहते हैं, अरबी में दीन कहते हैं, उसे समझना छोड़ दिया ना। ये कुछ पूजाओं का नाम नहीं है, कुछ कर्मकांड का खाली नाम नहीं है, धर्म तो जिंदगी के हर हिस्से में है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है दूसरों की खैरख्वाही और भलाई और तमाम इंसानियत की। और धर्म ने तो ये बताया और दीन ने मुसलमानों को तो जो लोग को तो ये बताया कि तुम्हें तमाम दुनिया के लिए निकाला गया था। ये निकले कब, दुनिया की भलाई के लिए। जब दुनिया की भलाई के लिए निकले तो अपने हाथ की भलाई भी हाथ से गई।
तो धर्म तो इनको बना देता या संवार देता, धर्म को इस्तेमाल करना तो इनके बस की बात नहीं, दुनिया में किसी के बस की बात नहीं कि उसे इस्तेमाल कर लें, धर्म के अंदर ढल जाएं, धर्म से अपनी जिंदगी कामयाब कर लें, धर्म को लेकर लोगों के पास जाएं और उनकी जिंदगी भी पार लगा दें। ये धर्म के बिगड़े हुए एडिशन लेते हैं, ये मजहब कहलाते हैं, ये धर्म के बिगड़े हुए एडिशन ये रिलीजन है, और इन ये आपस में टकराते हैं और इनसे क्लैश होते हैं। तो जब ये कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इन्हें तो छोड़ना ही होगा, इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो लड़ाई बंद नहीं होगी। आ जाए दीन के अंदर वापस, आ जाए धर्म में वापस। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमसे मास कर रहे हैं, क्या दावत इस कम्युनल टेंशन का हल है या अखलाक, इन दोनों में से हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? दावत भी दीन का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा, अखलाक भी दीन का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा। और अभी पिछले सवाल के जवाब में जो आशीष ने किया था, मैंने किया ना कि दीन की पनाह में आ जाइए, तो दीन की पनाह में आप जाएंगे तो आपको इनमें से एक भी नहीं छोड़ सकते। आप कहें कि मैंने अखलाक ले लिया, दावत का काम मैं नहीं कर रहा, यहां पर आपके हालात अच्छे हो या ना हो, आप तो कामयाब नहीं होंगे, आप फलाह को नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कि एक लाजमी चीज थी, एक कंपल्सरी, एक फरीदा था। आप दावत को ले लें, अखलाक बुरे हो, दावत हो ही नहीं सकती। तो बात यह कि ये पीस मिल नहीं चलेगा। उदखलू फिस्सिल में काफा, सलामती में पूरे पूरे आ जाओ, मुकम्मल पीस मिल नहीं। क्या ये दीन में आ जाइए, दीन का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है दावत, दीन का लाजमी हिस्सा है अच्छे अखलाक। यहाँ एक कमेंट हमारे पास आया है, गगन गोस्वामी कमेंट कर रहे हैं, इट शुड बी अ पनिशेबल एक्ट एंड द मिस्क्रिएंट्स शुड बी पनिश्ड हार्ड सो दीज थिंग्स कैन बी चेंज्ड। आपका इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन एक आइडियल बात कही। वो आइडियल बात, वो पनिशमेंट को एनफोर्स करने वाले उनकी नीयतें अच्छी होंगी तो बिगाड़ पैदा करने वालों को पनिश जरूर किया जाएगा, लेकिन ये परेशानियां तो पैदा ही जब होती हैं जब उनकी नीयतें अच्छी नहीं होती, जो ऊपर होते हैं, जो एनफोर्स करने वाले होते हैं, जब उनकी नीयतें अच्छी नहीं होती तभी तो ऐसा होता है। तो ये बात, और अगर जब ऐसा नहीं हो तो हम क्या करें? ये तो खाली फिर हम अपील करते रह जाएंगे, ये कहते रह जाएंगे कि ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं होता। बात तो इसकी हो रही है कि हम निकलने के बाद यहां जन्नत बनाए और यहां स्वर्ग बनाए, और वो लोग जो आग लगा रहे हैं उनके पास पानी लेकर जाए। जब हम खड़े हों और हम ये चीजें शुरू करें और ऐसी कोशिश शुरू करें, फिर वो माहौल बनेगा। जब लॉ को तो पनिशमेंट देने की जरूरत बात को पड़ती है, लोग पनिश कर दिया करेंगे, लोग ऐसा होने नहीं दिया करेंगे अपने। जी अगला सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ अगला सवाल हमसे पूछा है प्रियंका शर्मा ने, पूछ रही है कैसे स्थापित हो धार्मिक आधार पर और कुरान में भारत के विषय पर क्या कहा गया है। कुरान असल में तो इंसान के विषय की बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर भारत के विषय पे कुछ कहा, वरना कुरान तो इंसान की बात करता है। और कुरान तो ये सरहदें पसंद ही नहीं करता, जिन सरहदों के अंदर भारत, जिसे जो कहकर उन्होंने सवाल पूछा प्रियंका ने कि इतना सा हिस्सा इसके बारे में कुरान कुछ कहेगा, न भारत न अरब। तो कुरान ने ना अरब के बारे में कुछ कहा, ना भारत के बारे में कुछ कहा, कुरान ने ना अमेरिका के बारे में कुछ कहा। और कुरान तो इन सीमाओं और सरहदों को पसंद ही नहीं करता, सारी मानवता एक होनी चाहिए थी। हाँ, जब ये सीमाएं खिंच जाएंगी और आइंदा हो जाएंगी, बन जाएंगी, उसके बारे में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा था और बहुत कुछ कहा था, और हमें उनकी ही दी हुई चीजों से मालूम हुआ कि पहले इश्दूत यहां पर आए, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, इस्लाम की बुनियादें यहां पर पड़ी। यूं हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल का असल में धर्म तो इंसान नहीं बनाते, लेकिन अल्लाह ने जो ईश्वर ने भेजा तो इस खेते से, इस जमीन से, इस भूभाग से शुरू हुआ धर्म, हम उसे इस्लाम कहते हैं। जो कुछ यहाँ शुरू हुआ, चाहे वो जिस भाषा के अंदर रहा हो, तो ये उन्होंने बताया। उन्होंने ही ये बताया कि क्रांति जो कुछ आएगी, बहुत कुछ बताया था, वो जो यहाँ पर तफसील से मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका खुलासा ये निकलता है जो कुछ उन्होंने कहा था कि वो सतयुग जो आगे आने वाला है, वो क्रांति जो आगे आने वाली है, वो क्रांति भी
इसी देश यहीं से इस हिस्से से शुरू होगी जैसे आज सवाल करने वाली भारत कह रही है। और असल में ये भारत तो खुद गीता ने जो है वो सारे विश्व को कहा था, जैसे आज भारत किसे कहा जाने लगा, जब उन्होंने कहा था श्री कृष्ण ने जब ये जब उसके अंदर गीता के अंदर है कि जब उन्होंने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अब वहां पे समझाया जा रहा है कि अर्जुन को कह रहे हैं भारत। असल में तो बात ये कहे कि बात तो वहां पर ही कही गई कि भारत के पुत्र नहीं बल्कि सारे भारत, भारत वो जो वो क्यों किसी एक छोटी सी जगह के लोग से इंसानों से कहेंगे श्री कृष्ण, वरना श्री कृष्ण जो है वो तो खुद फिर बहुत ही सीमित रह गए। श्री कृष्ण ने वो तमाम दुनिया के इंसानों से कहा था कि सारे दुनिया के इंसान भारत पुत्र हैं, तो वो भारत तो असल में वो था। और तो इसके बारे में इस हिस्से के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन बहुत ऐसी बातें कही हैं कि जिसकी वजह से हमें इस हिस्से से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन वो हिस्सा ये खाली ऐसा ही नहीं रहेगा, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि हम निकलें और फिर पूरे विश्व को भारत बना दें यहाँ से। अगला सवाल हमसे अतीक पूछ रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो डिस्कशन में अभी तक अलामा कवर हो चुका है मगर कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर रोशनी पड़ना जरूरी है। आखिर ये कम्युनल टेंशन किस अंजाम तक पहुंचेगी और कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के पीछे पॉलिटिशियंस का क्या पर्पस? देखिए पॉलिटिशियन के पर्पस की बात तो मैं बार बार क्या दोहरा हूं, उन लोगों को जिन्हें भाई कहीं पर कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ पर भारत के अंदर जातिवाद भी है, कास्टिज्म भी है। अब होता ये है कि कुछ वो पार्टीज जिनका फायदा कास्टिज्म को हवा देने में है वो किसी न किसी शक्ल में कास्टिज्म को हवा देती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो हैं जिनका फायदा मुसलमानों को इकट्ठा करने में है या हिंदुओं को इकट्ठा करने में, दूसरी तरफ वो पार्टीज जो हैं वो कम्युनल टेंशन फैलाती हैं। तो ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन पहला हिस्सा क्या था सवाल का उनके? इन्होंने पूछा है हमसे, एक मिनट दीजिए मुझे, कि कम्युनल टेंशन का अंजाम कहां तक पहुंचे? अंजाम अंजाम तो हमारे हाथों में है, अंजाम हम अपना एटीट्यूड जैसा रखेंगे अंजाम वैसा होगा। हमारा एटीट्यूड बदल जाए अंजाम बदल जाएगा, अंजाम तो हमारे हाथ में है। हम चाहे अंजाम वो भी हो सकता है जिसमें हम बिल्कुल तबाह हो जाए, अंजाम वो भी हो सकता है जिसके अंदर सब मिलके हम ही नहीं बल्कि सब कामयाब हो जाए। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा अंजाम चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सवाल का बेहतर तरीके से जवाब आप तक पहुंच पाया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, अभिषेक हमसे पूछ रहे हैं, मुझे जानना यह है कि इस्लाम पहले आया या हिंदुत्व? देखिए इस्लाम तो किसी खास दिन में नहीं आया और हिंदू तो किसी धर्म का नाम नहीं है। और असल में विशेषण है इस्लाम भी, ये भी किसी धर्म का नाम नहीं। इस्लाम का मतलब पीस और सलामती। इस्लाम जो है वो अरबी भाषा में ये उसका नाम है, बहुत से नाम है उसके। इस्लाम का ही एक नाम कुरान ने दीन कईम भी बताया, वो दीन जो हमेशा से कायम है। अरबी भाषा के अंदर वो दीन जो हमेशा से कायम है, वो धर्म जो सदा से सीधा चला रहा है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। तो फिर इस्लाम का अगर हम दीन कय्यम उसका एक नाम लें तो उसको सनातन धर्म, अगर उसका हम ट्रांसलेशन करें संस्कृत के अंदर सनातन धर्म हो जाता है। ये पूछा जाए कि इस्लाम पहले आया सनातन धर्म, तो ये तो एक ही धर्म के दो नाम हो गए अलग अलग भाषाओं में। धर्म है ही एक, उसके ही अलग अलग भाषाओं में कुछ और भी नाम इसके हो सकते हैं। हिंदू तो किसी धर्म का नाम नहीं है। और लव हिंदू तो हिंदू तो है, हम कह सकते हैं उसकी बात कर सकते हैं, यहाँ पर मौका नहीं है और ये सवाल भी नहीं है। लेकिन हिंदुत्व तो बहुत रीसेंट नाम है, जो हिंदुइज्म भी नहीं है, जो हिंदू मत भी नहीं है। ये हिंदुत्व तो सावरकर से शुरू हुआ, उससे पहले था ही नहीं ये लफ्ज, ये शब्द ही नहीं था। टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए और वक्त की कमी को महसूस करते हुए अब हम शो को क्लोज करना चाहेंगे, उससे पहले मगर मैं आपसे एक अलामत चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ एक अपील हो कि ये कम्युनल टेंशन वाकई बहुत परेशानियां क्रिएट कर रही है हम लोगों की जिंदगियों में, चाहे हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो, हम लोग इतने ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो या ना हो, मगर फिर भी हर किसी की जिंदगी को आज इसका सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ अपील आप व्यूवर्स से मैं चाहूंगा कि करें। देखिए एक मैं कुरान की एक आयत पढ़ दूं, कुरान शरीफ ने कहा मा असाबा मुसीबतिन फबिमा कसबत
तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानी मुसीबत आती हो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। जिस अगर किसी चीज से परेशान है वो परेशानियां सामने आने लगी हैं तो आपके अपने हाथों की कमाई है। आप इस रिजल्ट को बदल सकते हैं। काम हमारे हाथ में होता है, अंजाम हमारे हाथ में नहीं होता। रिजल्ट में अल्लाह ने हमें आजाद नहीं रखा, रिजल्ट उसने अपने हाथ में रखा है। कर्म हमारे हाथ में है, हम अपने कर्म बदल लें, डिफरेंट रिजल्ट लेना शुरू कर दें। तो मेरी यही अपील है, ये दरख्वास्त है, तफसीलात में हमें क्या करें, इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या जरूरत है, उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, लेकिन असल में तो वही सारा दीन है कि हम लोगों की, दुनिया के इंसानों की भलाई की बात सोचें, हम दीन को उन तक लेकर जाएं, वही दीन जो उनका भी दीन है, वही दीन जो हमारा भी दीन है, उसको हम चाहे धर्म कहना शुरू कर दें, चाहे उसे सनातन धर्म कहें, चाहे हम उसे इस्लाम कहें, उसे लोगों तक जाएं। उसी का हिस्सा अखलाक भी है और उसी का हिस्सा जो है वो लेकर जाना, इसी को दावत कहते हैं। जब तक हम लोगों के पास उनकी भलाई लेकर जाएंगे नहीं, उस वक्त तक उनसे भलाई का सलूक करें, ये तो बहुत अजीब सी बात है, उनसे भलाई की तवक्को करें और आशा करें तो ये अजीब सी बात है। तो हम उनके पास लेकर गए नहीं, हमें रिजल्ट यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे अल्लाह के कानून के मुताबिक जो हमें मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं, ये अल्लाह का कानून है। रिजल्ट आप बदलना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट बदलते चले जाएंगे। उसके लिए तैयार हो जाए, खाली सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से काम नहीं चलता, निकलिए शुरू कर दीजिए। और मैं कम से कम वो जो निकलेंगे उनके लिए तो बदल जाएंगे हालात, और बाकी सबके लिए ना बदल सके अगर सब लोग नहीं निकले तो। थैंक यू सो मच अलामा फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंड यूनिफाइंग कोट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स के आपने लगातार हमें क्वेश्चंस भेजते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे आपने। चलते चलते आप लोगों को फिर याद दिलाना चाहूंगा, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, तो पूछते रहिए अपने सवाल आपके अपने फेसबुक लाइव शो टॉक विद अलामा एवरी सैटरडे 10 PM। मैं आपका होस्ट फवाद, इजाजत चाहूंगा।